हेलो दोस्तों, आज मैं दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि डिफरेंट बोलने से भी दोनों इंस्ट्रूमेंट बहुत सिमिलर है। कैसे मैं आपको समझाऊंगा वीडियो में आगे चलते हुए। तो आज मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट किया हूँ मैं बोलता हूँ। ये है मेरे पास एक 22 पाई स्पैन फ्लूट जो हमने बनाया है, और एक सुजुकी का क्रोमैटिक्स हारमोनिका सी ऑक्टेव्स का, सी स्केल में है दोनों ही। ओके, तो अब मैं कंपैरिजन करता हूँ। तो ये हारमोनिका, इसका मेटल बॉडी है, ओके, और इसका कॉम आई थिंक एबीएस का है, और ये एक बैम्बू का पैन फ्लूट, ओके, बैम्बू, फुल्ली मेड ऑफ बैम्बू। और हारमोनिका का जो नोटेशन लेआउट होता है, लेफ्ट साइड से सारे गामा पा धनी सा, रे गामा पा धनी सा, हारमोनिका पियानो भी आप बोल सकते हैं। मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। इसका जो लेआउट है वो पैन फ्लूट के साथ एकदम सेम है। मैं दिखाता हूँ, इधर लेफ्ट से राइट सारे गामा पा धा नी सा था, इसमें भी लेफ्ट से राइट का। और एक क्या कंपैरिजन आता है, नोटेशन लेआउट एज इट इज सेम। अगर आपका कोई गाना मतलब हारमोनिका में आपको आता है तो आप इजिली पैन फ्लूट में बजा पाओगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, उत्तर है, अच्छा सॉन्ग है बहुत। अब इसमें मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। सुना, साउंड का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट जो नोटेशन है और प्लेइंग फॉर्मेट बहुत सा सेम है। मैं आपको और एक सॉन्ग सुना देता हूँ, ये एक्चुअली एक रविंद्र संगीत है। ये एक रविंद्र संगीत है, अब मैं इसमें प्ले करूं। तो आपने सुना, बहुत स्वीट साउंड है दोनों का ही। और इसमें एक्स्ट्रा हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्मोनिका में आप आपने सुब्रमण्यम सरकार को सुना ही होगा, तो वो एक इफेक्ट देते हैं, देखा होगा आपने, राग जब बजाते हैं तब टका 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 बोल के, वो इसमें भी आप दे पाओगे। इसमें और स्पीड में कर पाओगे आप हार्मोनिका से। और इसमें और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता था जो मैं भूल गया पहले, हार्मोनिका में जैसे ड्रॉ और ब्लो नोट्स है, इसमें खाली ब्लो नोट्स रहते हैं, ओके, मतलब हारमोनिका में जैसे सा ब्लो करने से बचता है, रे ड्रॉ करने से बचता है, इसमें ड्रॉ करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, इसमें सारा ब्लू नोट्स ही है, बहुत इजी है। इसमें और एक कुछ इफेक्ट आप दे सकते हैं, जो आपने सुना ही होगा, जंगली टाइप का म्यूजिक जब बजता है ना, तब ऐसे एक फ्लूट में बजता है। ऐसा आप दे सकते हैं। तो आप मैंने आपको तो कंपैरिजन बहुत बोल ही दिया, अब आपको मैं थोड़ा डिफरेंस भी बोल देता हूँ। देखिए, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट कहाँ से होगा, तब तो दोनों हारमोनी का भी बोला जाएगा। कुछ ना कुछ डिफरेंस तो रहेगा ही। तो मेन डिफरेंस क्या है इसका, हारमोनिका में जैसे एक माउथ प्लेट है, हम लोग इसमें ब्लो करते हैं, और इसमें क्या है, इसमें हारमोनिका जैसे बात बात सब नोट मतलब सजाया हुआ है, पर इसमें हम लोगों को जो ब्लोइंग टेक्निक है वो डिफरेंट है। इसमें हम लोगों को डाउनवर्ड ब्लो करना पड़ता है, जो हारमोनिका में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लो करना पड़ता है मुंह को ऐसे करके,
जैसे बच्चे लोग बॉटल में ब्लो करते हैं ना या पेन कैप में, तो वैसे ही हम लोग इसमें ब्लो कर सकते हैं लाइक दिस। बहुत इजी है टेक्निक लर्न करना, पर हो जाता है जी। तो यही है मेन डिफरेंस, रदर देन इट एवरीथिंग इज सेम। सो मेन चीज है कि अगर आपको कोई सॉन्ग आता है इसमें प्ले करना, आप इजिली इसमें प्ले कर पाओगे। सा बजाना, ठीक है? अब इसमें सा बजाओ जी। क्रोमैटिक नोट्स के बारे में, क्रोमैटिक नोट्स मतलब कोमल या शुद्ध स्वर, जो हम लोग बोलते हैं ना सा कोमल रे गा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें हम लोग को जो स्लाइडर है वो प्रेस करना पड़ता है ना, या ग्रेस नोट देने के लिए। तो ये हम लोग को बार बार प्रेस करना पड़ता है, तो कुछ जन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्पीड प्लेइंग के लिए। तो इसमें क्या है, इसमें आपको दबाना नहीं पड़ेगा कुछ, इसमें जस्ट आप इस पैंट फुट को ऐसे घुमा लीजिए, टिल्ट कर लीजिए अपने तरह, उससे ही बच जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। कितना इजी है ना, जैसे ऐसे तो कर दीजिए। तो मैंने और एक चीज नोटिस किया है, इसमें क्या होता है, इसमें एक होल में दो नोट प्ले किया जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूं। सो एक होल में सा और कोमल रे जस्ट ब्लो में, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप तीन नोट प्ले कर सकते हैं एक होल में। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट एंड शेयर करके बोलिएगा।